तो बात करते हैं एंटीपार्टम हेमरेज के नोट्स की यार, ठीक है। तो एंटीपार्टम हेमरेज किसको बोलेंगे? एंटीपार्टम हेमरेज ऐसा कोई भी ब्लीडिंग, एनी ब्लीडिंग दैट अकर इन, ऐसी कोई सी भी ब्लीडिंग जो कि कब होती है भाई, है ना, द एनी ब्लीडिंग इट अकर इन टू और फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक, है ना, जेनाइटल ट्रैक के अंदर या फिर उससे अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, मतलब 28 वीक्स के बाद और डिलीवरी से पहले कोई भी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। सो एनी ब्लीडिंग दैट अकर्स इन टू और फ्रॉम द जेनाइटल ट्रैक बियॉन्ड पीरियड ऑफ वायबिलिटी, ठीक है। एंड पीरियड ऑफ वायबिलिटी देखो भाई, इंडिया के अंदर इट इज 28 वीक्स, है ना, तो 28 वीक्स और 37 वीक्स अराउंड जहाँ पे डिलीवरी होती है, तो उससे पहले उसके बीच में 28 एंड 37 के बीच में, है ना, जो ब्लीडिंग हो रही है इसको बोलते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। डिलीवरी के बाद हो या फिर डिलीवरी के समय हो रही है इसको बोलते हैं पोस्ट पार्टम हेमरेज। तो ये ऐसे डेफिनेशन इंडिया के अंदर है, बट यूएसए में जो है पीरियड ऑफ वायबिलिटी इट इज 20 वीक्स, तो यूएसए के अंदर हम क्या बोलेंगे? एंटीपार्टम हेमरेज 20 वीक्स से लेकर डिलीवरी तक के बीच वाला टाइम में जो भी ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या बोलेंगे? एंटीपार्टम हेमरेज बोलेंगे। नाउ एंटीपार्टम हेमरेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं भाई? कजेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? दो कारण है भाई, प्लाजेंटा प्रीविया। प्लाजेंटा प्रीविया में क्या होता है भाई? पहले ही क्या हो गया, डिलीवरी से पहले ही सेपरेट हो गया प्लाजेंटा। प्लाजेंटा प्रीविया में क्या होता है कि अलग जगह पे, सपोज करो यहाँ पे दो है, प्लाजेंटा प्रीविया होता है, एक होता है एब्रप्शियो प्लाजेंटा, ठीक है। तो प्लाजेंटा प्रीविया में सपोज करो ये हमारे पास प्लाजेंटा यहाँ पे अटैच होना था, बट ये लोअर पार्ट ऑफ द ट्रेन सेगमेंट में यहाँ पे अटैच हो गया यार, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाजेंटा प्रीविया। एक होता है एब्रप्शियो प्लाजेंटा, ठीक है। एब्रप्शियो प्लाजेंटा में क्या होता है? प्लाजेंटा जो है पहले सेपरेट हो जाता है। किससे पहले सेपरेट हो जाता है? डिलीवरी से पहले, तो जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। तो दो मेन कारण है ये हमारे पास, ठीक है। सो सेकेंड कॉज इज एब्रप्शियो प्लाजेंटा, थर्ड इज यहाँ पे वासा प्रीविया। यहाँ पे हम प्लाजेंटा प्रीविया एंड एब्रप्शियो प्लाजेंटा को दोनों डिटेल में देखेंगे, तो अभी हम प्लाजेंटा एब्रप्शियो प्लाजेंटा की बात करेंगे, ठीक है। तो वासा प्रीविया की वजह से हो सकता है, प्री टर्म लेबर में हमारे पास क्या हो सकती है, एंड ना बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है यार, एंड रप्चर ऑफ यूट्रस कैन बी ऑल्सो अ कॉज ऑफ ब्लीडिंग डिलीवरी से पहले। तो ये हमने बात की अबाउट वॉट कॉजेस ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज यार। नाउ एब्रप्शियो प्लाजेंटा की बात करते हैं। एब्रप्शियो प्लाजेंटा मैंने बताया अभी कि ये क्या है, प्री मैच्योर सेपरेशन है यार। प्री मैच्योर सेपरेशन किसका? प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लाजेंटा। ये नॉर्मली सिचुएटेड प्लाजेंटा क्या है? सपोज करो ये हमारे पास यूट्रस है, तो यूट्रस में ऊपर पार्ट में, ऊपर यूट्राइन सेगमेंट में, सुन क्या बोलते हैं, यहाँ से बच्चे के ऊपर ये न्यूट्रिशन जा रहा है, तो ये हमने बोला कि ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा है वो, अगर क्या हो रहा है, समय से पहले सेपरेट हो जा रहा है ना, नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा बिफोर डिलीवरी ऑफ बेबी, तो इसको हमने क्या बोला, एब्रप्शियो प्लासेंटा। बट अगर ये सपोज करो ये यहाँ की नहीं, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट में ऐसा बन गया प्लासेंटा, है ना, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, एब्रप्शियो प्लासेंटा नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा प्रीविया बोलते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो एब्रप्शियो प्लासेंटा किन में ज़्यादा चांसेस हैं होने के, मतलब पहले सेपरेट हो जाएगा प्लासेंटा, एब्रप्शियो प्लासेंटा, एब्रप्ट सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, इसको हमने बोला, इस किस में होगा ज़्यादा रिस्क फैक्टर ज़्यादा? सपोज करो कोई ऐसी मदर है जिसका एज ज़्यादा, अराउंड 45 40, है ना, जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारे पास, है ना, चीज़ें दिक्कत होती जाती है वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, तो ज़्यादा एज में यहाँ पे प्रेगनेंसी अच्छी नहीं है यार, ठीक है। सो ऑल्सो स्मोकिंग की वजह से हमारे पास एब्रप्शियो प्लासेंटा के चांसेस बढ़ते जाते हैं, इट इज़ अ रिस्क फैक्टर। एल्कोहल इज अ रिस्क फैक्टर फॉर एब्रप्शियो प्लासेंटा। मल्टीपैरा, मल्टीपैरा मतलब सपोज करो किसी महिला के 4 5 बच्चे हैं, छठवां बच्चा हो रहा है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि क्या हो जाए, प्लासेंटा एब्रप्टली सेपरेट हो जाए, या फिर कॉर्ड शॉर्ट हो, जो अम्बेलिकल कॉर्ड है ना, एंड प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की वजह से भी हो सकता है यार, है ना, ट्विन के केस में हमारे पास सेपरेट पहले हो जाएगा एब्रप्शियो प्लासेंटा, उसमें चांसेस हैं, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, या फिर बीपी की वजह से, दैट इज हाइपर टेंशन की वजह से, हाई बीपी की वजह से,
और क्या क्या कारण हो सकते हैं यहाँ पे, ट्रॉमा हो गया, हाई बीपी हो गया, प्रीवियस अगर किसी को हिस्ट्री है कि पहले भी उसको अब्रप्ट सेपरेशन हुआ है प्लासेंटा का, तो उसके अंदर भी चांसेस है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में है ना अब्रप्ट सेपरेट हो सकता है प्लासेंटा। ऑल्सो किसी के अंदर फोलिक एसिड की कमी है किसी महिला के अंदर, गर्भवती महिला के अंदर, तो उसमें हमारे पास चांसेस हैं प्रेगनेंट वुमेन के अंदर कि जल्दी सेपरेट हो जाएगा यार, जितना सेपरेट होना चाहिए उससे पहले सेपरेट हो जाएगा। तो देखो ये रिस्क फैक्टर्स हो गए है ना। अब जब रिस्क फैक्टर है, सपोज करो किसी के अंदर पहले मतलब इंक्रीज एज है, 36 के एज में है कोई प्रेगनेंट हुई, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, सपोज करो कि रिस्क फैक्टर है, और रिस्क फैक्टर के साथ कब उसको चोट लग गया, कहीं ट्रॉमा हो गया है ना, या फिर अचानक से बीपी बढ़ गया, या फिर हाइपरटेंशन हो गया हमने बोला, तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास स्पायरल आर्टरीज होती हैं डिसीडुआ बेसल प्लासेंटा के अंदर, ठीक है, तो उनका रप्चर हो जाता है यार, जो रप्चर हो जाता है ना ट्रॉमा की वजह से। रिस्क फैक्टर तो है ही, स्मोकिंग पहले से कर रही है वूमेन है ना, और उसके साथ उसको ट्रॉमा हो गया, सो रप्चर हो जाता है स्पायरल आर्टरीज का, इसका रप्चर हो जाता है स्पायरल आर्टरीज का, जो कि कहां पे होते हैं, इन दी डिसिडुआ बेसलिस ऑफ प्लाजेंटा। तो रप्चर हो जाता है स्पायरल आर्टरीज का इन डिसिडुआ बेसलिस, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लड कलेक्शन देखने को मिलता है बिहाइंड दी प्लाजेंटा यार, है ना, ब्लड कलेक्शन बिहाइंड दी प्लाजेंटा, एंड जब प्लासेंटा के बीच में और वॉल के बीच में ब्लड कलेक्शन हो जाता है, तो जो इंटरविलस स्पेस है, स्पेस का प्रेशर है, वो बढ़ जाता है, सो इंक्रीज इंटर विलस स्पेस प्रेशर, विलाई जो कि सपोज करो ये यूट्राइन वॉल है, इसके बीच में यहाँ पे प्लासेंटा है और यहाँ पे विलस है, तो इस एरिया में क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लग जाता है यार, है ना, तो इसके वजह से क्या होता है, इंटरविलस प्रेशर स्पेस प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है, एंड रिलीज देखने को मिलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का, जो कि यूट्रोटॉनिक एजेंट है, जिसकी वजह से प्लासेंटा सेपरेट हो जाता है यार, ब्लीडिंग एंड रिलीज ऑफ ब्लीडिंग, इसे तो क्या हुआ, एंटीपार्टम हेमरेज, रिलीज ऑफ थ्रोम्बो प्लास्टिन, एंड दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इज अ यूट्रोटॉनिक एजेंट, एंड दैट कैन लीड टू सेपरेशन ऑफ द प्लाजेंटा, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट द रिस्क फैक्टर ऑफ एब्रप्शियो प्लाजेंटा। नाउ टाइप्स की बात करें, तो जो एब्रप्शियो प्लाजेंटा है वो तीन टाइप का होता है यार, यहाँ पे हम बात करते हैं तीन टाइप के एब्रप्शियो प्लाजेंटा हो सकता है, एक है रिवील्ड, एक है कंसील्ड, एंड एक है मिक्स्ड। रिवील्ड में क्या होगा, ब्लीडिंग देखने को मिलती है यार, हमको दिखेगा है ना, कंसील के अंदर छुपा हुआ, रिवील मतलब दिखना, कंसील मतलब छुपा होना, मिक्स में क्या होता है, कुछ चीज़ें छुपी हुई है, कुछ चीज़ें दिख रही है, ठीक है, तो ब्लीड दिखने को मिलता है, तो रिवील टाइप ऑफ एब्रप्शियो प्लासेंटा बोलते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है क्लिनिकल फीचर, तो यहाँ पे हम एब्रप्शियो प्लासेंटा एंड एब्रप्शियो प्लासेंटा एंड प्लासेंटा प्रियोर के क्लिनिकल फीचर्स को कंपेयर करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन भी आता है कि क्लास कैसे कंपेयर करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट करो प्लासेंटा प्रियोर एंड एब्रप्शियो प्लासेंटा को, तो दोनों में क्लिनिकल फीचर सेम ही लिखना है, ठीक है, तो ये जो चार्ट होगा दोनों में रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्लासेंटा प्रीविया की, तो प्लासेंटा प्रीविया में क्या हुआ, यूट्रस का लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा आ गया, एब्रप्शियो प्लासेंटा एब्रप्ट सेपरेशन हो गया यार प्लासेंटा का, ठीक है, तो इधर ये रहेगा इधर ये रहेगा। सबसे पहले की बात करें तो ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग जो होगा इसमें मोर देन 28 वीक्स में देखने को मिलता है ना, एब्रप्शियो प्लासेंटा में एब्रप्ट सेपरेशन जो होता है वो ही मोर देन 28 वीक्स में देखने को मिलता है, तो दोनों में सेम है। पेन की बात करें तो एब्डोमेन के अंदर पेन जो होगा इसमें पेनलेस होता है, याद रखना प्लासेंटा प्रीविया जो होता है पेनलेस होता है, बिकॉज है ना अलग जगह पे अटैच हुआ है, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल नॉर्मल से प्लासेंटा यहाँ पे होगा, बच्चा यहाँ पे होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, प्लासेंटा यहाँ पे हो गया है ना, जो यूट्राइन सेगमेंट है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग तो होगी बट वो दर्द नहीं होगा, पेनलेस होगा, बट जो एब्रप्शियो प्लासेंटा हमने देखा, एब्रप्ट सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा जो हो रहा है वो हमारे पास पेनफुल होता है, बिकॉज यहाँ पे थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहे हैं, जो कि यूटेरोटॉनिक एजेंट है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, तो एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, तो ब्लीडिंग की जो कलर है, ब्लीडिंग दोनों जगह हो रही है यार, है ना, दोनों का पोस्ट एंटीपार्टम हेमरेज, तो ब्लीडिंग की दोनों जगह हो रही है, तो ब्लीडिंग का कलर की बात करें तो प्लासेंटा प्रीविया के अंदर जो ब्लीडिंग का कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राइट रेड होगा, बट एब्रप्शियो प्लासेंटा के अंदर जो ब्लीडिंग होता है इट इज डार्क रेड, ठीक है। चौथा है, देखो ये जो डिफरेंस है ना वो दोनों जगह लिख सकते हैं हम, दोनों के क्लिनिकल फीचर्स में समझ, क्लिनिकल फीचर्स को याद रखने का तरीका है, दोनों को डिफरेंशिएट के चलते हैं,
दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलेंगे। कजेस की बात करें तो कजेस में है ना जो प्लाजेंटा प्रीविया है उसका कज नहीं होता यार, वो तो अपने आप लोअर यूटेराइन सेगमेंट में आ गया, बट हमने देखा कि जो एब्रप्शियो प्लाजेंटा है एब्रप्ट सेपरेशन जो है इट ये प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, इट इज़ ड्यू टू ट्रॉमा या फिर हाइपरटेंशन। तो कजेस की बात की है ना, अगर हम बात करें एनीमिया की तो है ना प्लासेंटा प्रीविया में एनीमिया देखने को मिलता है क्या? हाँ होता है, लेकिन इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द विजिबल ब्लड लॉस, जितना ब्लड बाहर निकल रहा है उतना ही यहाँ पे ब्लड लॉस होगा, एनीमिया देखने को मिलता है, बट एब्रप्शियो प्लासेंटा के अंदर पता नहीं चलता। प्रोपोर्शनेट टू विजिबल ब्लड लॉस एंड ये यहाँ पे नहीं होता, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे सेपरेट अलग हो जाएगा ना यार, समझना। नाउ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात करें तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या एग्जामिन करेंगे? हाइट, एब्डोमिनल हाइट देखेंगे, यूट्रस कैसा है, प्लासेंटल डिटैचमेंट कैसा है, होता है कि नहीं होता है, फीटल हार्ट साउंड की बात करेंगे यार, फीटल पार्ट्स की बात करेंगे है ना, फीटल पार्ट्स की बात करेंगे एंड माल प्रेजेंटेशन है कि नहीं उसकी बात करेंगे। सो यहाँ पे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात करें थे ना, तो हाइट जो होता है इट इज़ लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, लेस देन इक्वल टू पीरियड ऑफ जेस्टेशन होता है हमारे पास किसका? एब्डोमिनल हाइट है ना। नाउ ये किसकी बात की हमने? प्लासेंटा प्रीविया की। एब्रप्शियो प्लासेंटा में इट इज़ मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन यार। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस जो है यहाँ पर रिलैक्स होता है किसके अंदर? प्लासेंटा प्रीविया के अंदर, सॉफ्ट होगा है ना एंड नॉन टेंडर होगा, बिकॉज हमने देखा है कि यहाँ पे थ्रोम्बोप्लेविन रिलीज नहीं हो रहे हैं प्लासेंटा प्रीविया के अंदर, प्लासेंटा प्रीविया के अंदर बिल्कुल सही, बट यहाँ पे ये रिजिड हो जाता है बिकॉज यहाँ पे क्या निकल रहा है? यूट्रोटोनिक एजेंट दैट इज थ्रोम्बोप्लेटिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो रहा है यार, सो ये टेंस हो जाता है, रिजिड हो जाता है ना एब्रप्शियो प्लासेंटा के अंदर एंड टेंडर होता है, पेन होता है टच के अंदर। तो प्लासेंटल डिटैचमेंट की बात करें तो यहाँ पे एबसेंट होता है, हमने बोला एब्रप्शियो प्लासेंटा इसलिए बोला कि एबनॉर्मल डिटैचमेंट हो रहा है यार। फीटल हार्ट साउंड यहाँ पे सुनाई देता है ना, फीटल हार्ट साउंड इज हियर्ड है ना, इट इज़ हर्ड इन प्लासेंटा प्रीविया बट एब्रप्शियो प्लासेंटा के अंदर ये देखने को नहीं मिलता। फीटल पार्ट्स की बात करें तो इसको हम इजिली यहाँ पे पालपेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे उतना इजिली पालपेट नहीं कर सकते एब्रप्शियो प्लासेंटा के अंदर। एंड माल प्रेजेंटेशन जो है ये ज़्यादा कॉमन है यार यहाँ पे है ना, किसके अंदर? प्लासेंटा प्रीविया के अंदर, बिकॉज समझना कि यहाँ पे यूट्रस प्लासेंटा जो है इस प्रकार से नहीं है, प्लासेंटा इधर आ गया नीचे साइड, तो ये हो सकता है कि बच्चा इधर उधर चला जाए, तो माल प्रेजेंटेशन इज़ मोर कॉमन इन प्लासेंटा प्रीविया बट इट इज़ अनकॉमन यार, इट इज़ अनकॉमन इन एब्रप्शियो प्लासेंटा, ठीक है। तो ये हमने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में दोनों को देखा है ना, प्लासेंटा प्रीविया और एब्रप्शियो प्लासेंटा को। और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं यार यहाँ पे? अगर हम फीचर्स ऑफ प्रीएक्लिम्पसिया की बात करें, फीचर्स ऑफ प्रीएक्लिम्पसिया तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, बट हाँ प्रीएक्लिम्पसिया के जो फीचर्स हैं वो एब्रप्शियो प्लासेंटा में देखने को मिलते हैं बिकॉज हाइपर टेंशन हो रहा है। एंड प्लासेंटोग्राफी जब हम कराएंगे तो प्लासेंटोग्राफी के अंदर ये हमारे पास प्लासेंटा कहाँ पे देखने को मिलेगा? लोअर सेगमेंट में देखने को मिलेगा है ना, एबनॉर्मल मतलब इसी तो बोला प्लासेंटा प्रीविया, बट यहाँ पे हमारे पास अपर सेगमेंट में देखने को मिलता है, लोकेशन में डिफरेंस नहीं है, नॉर्मली जहाँ पे होता है वही होता है एब्रप्शियो प्लासेंटा, बट जल्दी सेपरेट होता है इसीलिए ये दिक्कत करता है ना। प्लासेंटोग्राफी कर लिए, अगर हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे है ना, तो ये हमको देखने को नहीं मिलेगा, और सेपरेट हो जाएगा तो देखने को मिलेगा यार। एंड जनरली डिससिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी यहाँ पे एब्सेंट होता है, एंड ये डिससिमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी
प्लासेंटा प्रीविया के अंदर एबसेंट होता है एंड एब्रप्शन प्लासेंटा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमने क्लिनिकल फीचर्स को देखा यार, है ना, इंपॉर्टेंट है ये सब, दोनों जगह लिख सकते हैं, देखना याद रखना जब भी इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे इसको तो दोनों जगह लिखेंगे यार, ठीक है। तो ये जो होगा प्लासेंटा प्रीविया के अंदर भी लिखूंगा, एब्रप्शन प्लासेंटा कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन प्लासेंटा प्रीविया में भी लिखूंगा इसको। मैनेजमेंट की बात करें तो अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे यार एब्रप्शन प्लासेंटा को, तो सपोज करो किसी का क्या हो गया एब्रप्शियो प्लासेंटा, मतलब एबनॉर्मल सेपरेशन हो गया ऑफ नॉर्मली प्लेस्ड प्लासेंटा, तो यहाँ पे हम फीटल हार्ट साउंड को चेक करेंगे। अगर फीटल हार्ट साउंड यहाँ पे प्रेजेंट है या फिर नहीं सुनाई दे रहा है, अगर प्रेजेंट सुनाई दे रहे हैं तो हम लोग को लगेगा यार फीटल डिस्ट्रेस हो गया होगा, फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है मतलब नॉर्मली सुनाई नहीं देते ना, हमने देखा है कि फिटल हार्ट साउंड जो है ना इट इज़ नॉट नॉर्मली हर्ड इन दिस, हमने यहाँ पे देखा है कि ये एब्रप्शन प्लासेंटा में सुनाई नहीं देता, बट सुनाई दे रहा है मतलब फिटल डिस्ट्रेस है, फिटल के अंदर दिक्कतें हैं फिटस के अंदर। तो फिटल हार्ट साउंड अगर सुनाई दे रहा है तो फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। अगर फिटल डिस्ट्रेस है तो हम तुरंत क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के बच्चे को बाहर निकालेंगे, और फिटल डिस्ट्रेस अगर नहीं है सो ऑक्सीटोसिन देंगे, ऑक्सीटोसिन अगमेंटेशन एंड नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर फिटल हार्ट साउंड हमको सुनाई नहीं दे रहा है तो वो यहाँ पे चांसेस हैं कि डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी हो, है ना, तो इसको चेक करेंगे अगर ये है या फिर नहीं भी है। अगर ये है तो डिसमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी को करेक्ट करेंगे, अगर करेक्ट किया उसके बाद क्या कर देंगे, वेजाइनल डिलीवरी, मतलब सेपरेट हो रहा तो जल्दी डिलीवरी कर दो वरना दिक्कत हो जाएगा। एंड DIC अगर नहीं है, फिटल हार्ट साउंड अगर हर्ड नहीं है, प्लासेंटा सेपरेट हो गया, फिर नॉर्मल डिलीवरी करेंगे, वेजाइनल डिलीवरी दैट इज़, है ना। अगर वेजाइनल डिलीवरी चाहे पॉसिबल अगर है तो कर देंगे वेजाइनल डिलीवरी यार, बट अगर पॉसिबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल है तो क्या करेंगे, वही तो करेंगे, ऑक्सीटोसिन देंगे, ऑक्सीटोसिन से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा और वेजाइनल डिलीवरी हो जाएगा। बट अगर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो, या वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल क्यों नहीं हो सकती यार, जब ट्रांसवर्स लाई है बच्चे को ऐसे होना चाहिए, बट बच्चा कैसे हो गया, ऐसे हो गया, सो ट्रांसवर्स लाई है, या फिर पहले भी उसको लोअर सेगमेंट और सिजेरियन सेक्शन किया हुआ है, तो उसमें हम फिर से वेजाइनल डिलीवरी नहीं कराएंगे, सीधा LSCS कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमने बात किया अबाउट क्या मैनेजमेंट कैसे करेंगे हमारे पास एब्रप्शन प्लासेंटा का। देखो डेफिनेटिव मैनेजमेंट एक चीज़ है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है यार एब्रप्शन प्लासेंटा में, तो डेफिनेटिव इमरजेंसी है ना, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, डेफिनेटिव मेडिकल मैनेजमेंट में आप क्या करो, इमरजेंसी सी सेक्शन, इतना आपको समझ नहीं आ रहा तो ठीक है, बिकॉज ये इमरजेंसी में, और क्या क्या करेंगे भाई, अगर इमरजेंसी हमें हमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग ऑप्शन गायनी सर्जरीज या फिर डिलीवरी के समय, तो यहाँ पे हमेशा चीज़ों को देखेंगे कि हमेशा दो वाइड बोर IV लाइंस लगा के रखेंगे किसके अंदर, मदर को, और क्या करेंगे भाई उनको IV फ्लूड्स देते रहेंगे, है ना, ब्लीडिंग टाइम देखेंगे, हीमेटोक्रिट नापते रहेंगे भाई, हीमेटोक्रिट को एटलीस्ट यहाँ पे 30% रखना है, यूरिन आउटपुट हमारे पास बाहर जाते रहना चाहिए, बॉडी के अंदर चीज़ें होती रहनी चाहिए, सो यूरिन आउटपुट शुड बी एटलीस्ट 30 ml/hr, ये सब मेंटेन रखना है। ब्लड सैंपल ले लेके रखेंगे फिर तो, सभी तो जांच कराएंगे कौन सा ब्लड ग्रुप है इनका, अगर इमरजेंसी जरूरत पड़ी तो, है ना, USG कराएंगे, तो ये इमरजेंसी में चीज़ें करने की जरूरत जो पड़ती है वो यहाँ पे मैंने बताई, बिकॉज ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। डेफिनेटिव मैनेजमेंट की हमने बात तो की, बट इमरजेंसी में क्या करना है, बिकॉज एब्रप्शियो प्लासेंटा इज एन इमरजेंसी, ठीक है, प्लासेंटा सेपरेट आउट हो गया तो एक इमरजेंसी है ये, तो हमने बात किसकी की, एंटीपार्टम हेमरेज की बात की, एंटीपार्टम हेमरेज में, है ना, और हमने बात की अबाउट एब्रप्शियो प्लासेंटा विच इज द कॉज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज यार, इसके बाद हम यहाँ पे प्लासेंटा प्रीव्यू बुक करना बाकी है तो वो देखेंगे। सो उसमें हमने बात की अबाउट रिस्क फैक्टर ऑफ एब्रप्शियो प्लासेंटा, टाइप्स ऑफ एब्रप्शियो प्लासेंटा, क्लिनिकल फीचर्स जो कि हमको एब्रप्शियो प्लासेंटा एंड प्लासेंटा प्रीव्यू में देखने को मिलते हैं, दोनों को कंपेयर किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो ये डिफ्रेंशिएशन अलग से क्वेश्चन भी आता है 5 नंबर में, लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही आता है एंटीपार्टम हेमरेज पे, दोनों जगह इस क्लिनिकल फीचर को लिख सकते हैं, प्लासेंटा प्रीविया में भी और एब्रप्शियो प्लासेंटा में भी। नाउ मैनेजमेंट की बात की लास्ट में, मैनेजमेंट ऑफ एब्रप्शियो प्लासेंटा कैसे करेंगे, डेफिनेटिव मैनेजमेंट कुछ समझ नहीं आ रहा, सी सेक्शन कर देंगे, और इन इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव इमरजेंसी में क्या क्या करना चाहिए भाई वो हमने बताया यहाँ पे।